बच्चों सुप्रभात, आप अपने हिंदी की क्षितिज बुक निकाल लें। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड, गद्य का पहला पाठ। और आपकी क्षितिज बुक में जो है वो है उसमें पाठ 10, नेताजी का चश्मा। तो शुरू करते हैं हम हिंदी गद्य खंड में नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो है ये लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 को इंदौर में हुआ था। और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब कि आपने अपनी नौकरी और इनकी शिक्षा राजस्थान में हुई। और फिलहाल शैक्षिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हुए और वसुधा पत्रिका के संपादक थे। जब वो अपनी नौकरी से रिटायर हो गए तब उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया भोपाल में रहते हुए। और 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ये इनकी रचनाएं हैं, स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान जो इनकी रचनाएं हैं उनमें से ये क्या है श्रेष्ठ है। इनके बीच में से विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहा है। कौन सा? विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यमवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि नेताजी का चश्मा कहानी की जो शीर्षक है उसकी सार्थकता क्या है। तो चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं है। भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिक, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियां, पशु पक्षियां और इन सब में प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देश भक्ति है। और नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मा वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। और कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं देश के निर्माण करने में और देश को योगदान देने। अब हम देखेंगे पाठ का सारांश क्या है। नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश क्या है? तो हालदार साहब की हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, दो ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी। सभी सड़कें पक्की करवाने का काम
कभी सड़के पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया करते थे। कौन करवाता था? नगर पालिका कुछ ना कुछ ही काम करती रहती थी। एक बार नगर पालिका ने एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इसने लगवाई नगर पालिका ने कि एक जो अधिकारी थे उन्होंने जो वहाँ मुख्य बाजार था वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। वो प्रतिमा का कैसी थी? संगमरमर की प्रतिमा थी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया था। मूर्ति सुंदर बनी, बस एक चीज की कमी थी कि नेता जी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति तो लग गई पर नेता जी की मूर्ति में चश्मा उनकी आंखों पर नहीं पहनाया गया था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना गया। अब इसकी इसके लिए क्या किया कि चश्मा तो पहनाया नहीं, तो एक चश्मे को चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया, जो दूर से देखने में लगे कि वो मूर्ति चश्मा पहनी हुई है। जब खादा साहब आए तो उन्होंने सोचा कि वाह भाई, यह आइडिया तो ठीक है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा दिया गया, मूर्ति पत्थर की और चश्मा तो सही का है। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा देखा। क्या देखा? दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। तीसरी बार जब हालदार साहब निकले तो उन्होंने देखा इस बार भी मूर्ति पर कोई नया चश्मा, पहले काली फ्रेम का, दोबारा तार वाला चश्मा और तीसरी बार तो कुछ और नया फ्रेम का चश्मा। इस बार में वहां पर जो नजदीक में कार वाले की दुकान थी उससे हालदार साहब ने आके पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हरदम कैसे बदल जाता है, मैं 3 बार देख चुका हूँ ये तो चश्मा बार बार बदल जा रहा है। तो पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। कौन करता चश्मा बदलने का काम? पान वाले ने जैसा बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी, बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में सिर्फ एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दी। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा लगाना तो भूल ही गया था। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई पूर्व सिपाही। यह कैप्टन चश्मा वाला है कौन? तो पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। क्या बोला पान वाले ने कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? वह पागल है इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक करके देखना अच्छा नहीं लगा, तो कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। चूंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी और चश्मा था, उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी तो दूसरे हाथ में एक बांस में टंगे खूब सारे चश्मे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया। फिर 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक चश्मा लग रहा, फिर दूसरा रहा, फिर दूसरा चश्मा लग रहा। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। पूछने पर हालदार साहब को पता चला कि कैप्टन मर गया। ये कैप्टन ही था जो
मूर्ति पर चश्मे बदल देते थे। उन्हें बहुत दुख हुआ यह जानकर कि अब कैप्टन नहीं रहा, वो मर गया। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नजर जब चौराहे पर आते ही आके मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो। ये था बच्चों पाठ नेताजी के चश्मे का जो सारांश था हमने पढ़ा। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। कस्बा मतलब होता है छोटा शहर, छोटा शहर। उहा को क्या करें क्या ना करें की स्थिति, उहा को मतलब क्या करें क्या ना करें, असमंजस की स्थिति। शासनाविधि शासन की अवधि कम सिन मतलब कम उम्र का, कम सिन कम उम्र का। सराहनीय मतलब प्रशंसा के योग। लागत मतलब व्यय खर्च, व्यय खर्च। लक्षित करना देखना। पौतिक मतलब आश्चर्य से, पौतिक मतलब आश्चर्य से। दुर्गमनी मतलब जिसको दबाना मुश्किल हो। गिरा राह किधर किधर या कहां। उधर उधर आहत घायल। दरकार आवश्यकता। द्रवित मतलब अभिभूत होना। अवाक मतलब चुप हो जाना शांत। प्रफुल्लता खुशी, प्रफुल्लता का अर्थ होता है खुशी। और हृदय स्थली विशेष महत्व रखने वाला स्थान। अब हम इसके कुछ प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो पहला, हालदार साहब कौन थे? उत्तर है, हालदार साहब शहर में रहने वाले एक नौकरी पेशा व्यक्ति है। वह एक कंपनी में किसी बड़े पद पर काम कर रहे हैं और अक्सर काम के सिलसिले में उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ता है। नौकरी पेशा व्यक्ति ये कंपनी के पद बड़े पद पर काम कर रहे हैं और अक्सर उन्हें कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता है। मूर्तिकार का क्या नाम था? उसने चश्मा क्यों नहीं बनाया था? अभी अपन ने सारांश में पढ़ा था ना कि बजट कम था तो मूर्ति बनाने का काम किसी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को दे दिया गया। उत्तर है, मूर्तिकार का नाम मोतीलाल था। वास्तव में मूर्ति बनाते समय मास्टर मोतीलाल नेताजी के चेहरे पर चश्मा लगाना भूल गए थे। क्या था? मूर्तिकार का नाम मोतीलाल। फिर कस्बे की नगर पालिका का क्या था? काम करती रहती थी नगर पालिका जो की वह कस्बे में हमेशा कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी प्रकार नगर पालिका की नेता जी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी जो मुख्य बाजार में थी। अब ये प्रश्न की नेताजी की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बहुत सुंदर बनी थी, वह संगमरमर की थी, लेकिन मूर्तिकार प्रतिमा में नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाना भूल गया था। फिर प्रश्न की मूर्ति के चश्मे को कौन बदलता था? मूर्ति के चश्मे, मूर्ति
कुत्ते के चश्मे को कैप्टन नाम का चश्मा वाला बदलता था। कौन बदलता था? कैप्टन नाम का चश्मा वाला बदलता था, जो अपाधिक था वह चश्मे की फेरी लगाता था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वह अपनी दुकान पर से चश्मे का फ्रेम लगाकर नेताजी की मूर्ति पर पहना देता था। और जब कोई ग्राहक आता तो वह फ्रेम ग्राहक को देखकर नेताजी को कोई दूसरी फ्रेम पहना देता था। अब है प्रश्न कि कैप्टन कौन था और वह क्या काम करता था। तो कैप्टन एक बूढ़ा आदमी था, वह अत्यंत कमजोर था और एक पैर से लंगड़ा भी था, अपाहिज था। उसके सर पर एक गांधी टोपी भी थी और आंखों पर काला चश्मा था। तो कैप्टन था बूढ़ा आदमी था, वृद्ध होने के कारण वह कमजोर भी था और पैर से लंगड़ा था, और वह हमेशा अपने सर पर एक गांधी टोपी पहनता था और आंखों पर काला चश्मा लगाता था। एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी और वह चश्मा बेचने का काम करता था। उस संदूकची में वह अपने चश्मे रखता था और चश्मा बेचने का वह काम करता था। अब है हालदार साहब दुखी क्यों हो गए थे? उत्तर है कि पान वाला उस कैप्टन की हंसी उड़ा रहा था। क्यों? अभी हमने सारांश में पढ़ा कि जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर आज कोई भी चश्मा नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि आज क्या हो गया। तो उन्होंने पान वाले ने बोला कि जो कैप्टन था वह खत्म हो गया। तो पान वाला उस कैप्टन की हंसी उड़ा रहा था, जिसे सुनकर हालदार साहब दुखी हो गए। क्या हंसी उड़ाया था उसने? कि वह तो लंगड़ा है, बोला था ना कि वह थोड़ी फौज में जा सकता है। यह सुनकर हालदार साहब दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी त्याग कर देशभक्त पर हंसने वाले देश और देशवासियों की कमी की कभी उन्नति नहीं हो सकती। क्या बोला हालदार साहब ने? कि अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी त्याग कर देशभक्तों पर हंसने वाले लोग देश और देशवासियों की कभी उन्नति नहीं हो सकती। बच्चों, ये थे नेताजी के चश्मे के लघु उत्तरी प्रश्न। आगे हम इसके और प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे।